हेलो फ्रेंड्स, आई एम मीनाक्षी। वेलकम टू आवर डिज़ाइन एंड फैशन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको प्रिंसेस कट ए लाइन शेप कुर्ती बनाना सिखा रही हूँ। ये कुर्ती है, इस तरह से दिखेगी। ये बेसिक कुर्ती है, तो ये यहाँ से ऐसे प्रिंसेस कट में जो कली रहती है वो सिखाऊंगी मैं आपको। तो ये कैसे करना है इसका मैं कटिंग बता रही हूँ। तो इसके लिए हमने बेसिक जो ब्लॉक हमने बनाया है, बोट नेक बेसिक ब्लॉक ले रही हूँ इसके लिए। आप इसके लिए कोई भी बेसिक ब्लॉक ले सकते हो। तो इसका वीडियो हमने पहले बनाया है, तो वो आप देख सकते हो। अभी जो हमें करना है प्रिंसेस कट, उसके लिए चेंजेस करते हैं। जहाँ हमारा वेस्ट लेंथ और वेस्ट राउंड है, वहाँ हमें चेस्ट का 10 पार्ट + 1/2 इंच करना है। चेस्ट का 10 पार्ट + 1/2 इंच और यहाँ से ऐसे जोड़ना है। तो ये जो है ये बस्ट लाइन से लाइन जाएगी और ये हिस्सा हमारा चेस्ट का 10 पार्ट + 1/2 इंच। तो ये साधारण हमारा बस्ट पॉइंट की लेंथ रहती है, वहाँ तक उतना ही चाहिए। अभी ये कटिंग करके लेंगे और इसमें हमने सिर्फ बैक आर्मोल शेप दिया है, फ्रंट आर्मोल हम लोग कली जोड़ने के बाद देंगे। ये सेकेंड कटिंग है और ये फर्स्ट कटिंग है। इसमें हमें यहाँ 1/2 इंच मार्जिन छोड़ना है और यहाँ भी हमें 1/2 इंच मार्जिन छोड़ना है स्टिचिंग के लिए। अभी इसके लिए मैं प्लेन और प्रिंटेड कपड़ा यूज़ करूँगी। ये प्रिंटेड कपड़ा है और ये प्लेन कपड़ा है। इसके लिए साधारण 2.5 मीटर कपड़ा लगेगा। तो ये मैंने 1 1/4 लिया है और ये मैंने 1.5 मीटर लिया है। सेंटर फ्रंट और सेंटर बैक है, यहाँ फोल्ड चाहिए, ये यहाँ ऐसे रखना है। इसमें आप अगर कम घेर चाहिए बॉटम में तो इसमें साइड कट देना पड़ेगा। अगर आपको इसमें ज़्यादा घेर चाहिए तो ये आप पैक भी सिल सकते हो। तो यहाँ मैं एक्स्ट्रा घेर देके कर रही हूँ। यहाँ मैंने जैसे है वैसे ड्रॉ किया है और यहाँ से मैं ए लाइन शेप दे दूँगी। यहाँ मैं ऑन फोल्ड लंबाई +2 इंच ले लूँगी, 42 इंच के आसपास, और यहाँ से इस तरह से जोड़ना है। अभी इसमें मार्जिन देना है। अभी ये फर्स्ट पार्ट का कटिंग करके लेना है। यहाँ नेक हम बाद में कटिंग करेंगे और ये जो है पॉइंट वेस्ट लेंथ का है, यहाँ मार्क करना है। अभी ये फर्स्ट कटिंग हो गया, अभी सेकंड कटिंग करेंगे। ये बैक और फ्रंट का कटिंग किया है मैंने, यहाँ फोल्ड डाला था डबल। तो ये हमारा पहला कटिंग है। अभी दूसरा कटिंग करते हैं। अभी जो ये है वो उसके सामने पहले रखना है और दूसरा कटिंग जो है इसके आगे लगाना है। ये ऐसे रखा है, पहले ये ड्रॉ करते हैं। इसके आगे ये रखना है और ये ड्रॉ करना है। अभी इसमें जो नीचे का बॉटम राउंड है ये हम अपनी चॉइस से कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ मैं 12 इंचेस ले रही हूँ और ये इस तरह से ए लाइन शेप में जोड़ना है। अभी ये ए लाइन शेप ज़्यादा है तो ये पहले आपको काउंट करना है। ये आता है 26 इंच, तो यहाँ जहाँ 26 इंच आता है वहाँ मार्क करना है और इस तरह से ये जोड़ना है। आप इतना भी घेर ले सकते हो, इतना भी ले सकते हो, आपके पास जैसा कपड़ा है वैसे। अभी मैं ये पूरा घेर ले रही हूँ। यहाँ 2 मैंने पहले ड्रॉ किया था कली और ये 2, ऐसे 4 कली मैंने कटिंग किया है। अभी ये कली जोड़ने का आपको अरेंजमेंट दिखा रहती हूँ। ये यहाँ ऐसे रखना है, ये यहाँ ऐसे पकड़ के सिलना है। अभी एक जैसे हमने शेप में जोड़ा है कली, वैसे ही दूसरी साइड का भी जोड़ के लेना है, बैक में भी ऐसे ही जोड़ के लेना है। इस तरह से मैंने ये फ्रंट तैयार करके लिया है, ऐसे ही बैक भी तैयार करके लेंगे। अभी इसके ऊपर जो हमने हाथ से स्टिच किया है उसके ऊपर मशीन का सिलाई देंगे और उसके बाद इसके ऊपर हम टॉप सिलाई देंगे। इसमें हम स्लीव निकालेंगे, जैसे वैसे ड्रॉ करेंगे। इसके नीचे कपड़ा कम है तो हम ये प्लेन कलर की पट्टी लगा के इस स्लीव को एडजस्ट करेंगे।
अब स्टिचिंग का देखते हैं। ये मैंने जोड़ के लिया है दोनों गले। इसके ऊपर आप चाहिए तो टॉप सिलाई डाल सकते हो, नहीं तो आप इसी में डबल सिलाई डाल सकते हो। अभी इसमें हम गले का शेप करेंगे और बैक फ्रंट का जो कटिंग किया नहीं था वो भी करेंगे। इसमें हम फ्रंट का आर्म होल शेप देंगे, इस तरह से फ्रंट आर्म होल शेप कटिंग करके लेंगे। इसमें हमने बोट नेक का कटिंग किया था, तो अभी हम ये बोट नेक में एक मैं आपको पैटर्न दिखाती हूँ। ये मैंने 1 इंच की पट्टी निकाल के लिया है, ये सेंटर लाइन है। ये जो पैटर्न है ये हम 12 इंच तक करेंगे। जो मैंने ये ड्रॉ किया है वो कट करेंगे, उसके लिए हम एक पट्टी निकालते हैं। ये पट्टी हमें 2 इंच की निकालनी है। इस तरह से 2 इंच की पट्टी है और लंबाई में हमें आपको जितना लंबा चाहिए, मैंने यहाँ 12 इंचेस लिया है तो मैं ये 24 इंच का ये पट्टी निकालूंगी। अभी पट्टी लगाते हैं। अभी ये सीधा ही है ऐसे समझ के हमें ये पट्टी लगाना है। अभी ये जो कोना है हमने जहाँ काटा था इसको हम सीधा ही करके इसमें हम सिलाई देंगे। जहाँ कोना है वहाँ कट्स करना है। ये पट्टी लगाने के बाद यहाँ हम छोटा फोल्ड करेंगे और इसको यहाँ ऐसे स्टिच करके देंगे। पहले छोटा फोल्ड किया जैसे सिलाई देखते होंगे। यहाँ जो कोना था इसको भी हम सीधा समझ के ही स्टिच करेंगे। अभी ये ऐसे हो जाएगा। अभी इसमें हमें इसको ऐसे फोल्ड करके अंदर लाना है और यहाँ प्रेस करना है। यहाँ मैंने फोल्ड करके लिया है और पिन लगाया है, एक अंदर की साइड और एक ऐसे, और एक दूसरे के ऊपर रख के पिन लगाया। इसमें इसके ऊपर प्रेस भी कर सकते हो। अभी इसमें हम पोटली लगाएंगे। हम ऐसे चौकोन करके लेंगे। ये चौकोन मैंने 2x2 का लिया है, आप इसमें थोड़ा बड़ा छोटा कर सकते हो। इसका हम पोटली तैयार करेंगे, ऐसे करेंगे फिर ऐसे, और उसके बाद यहाँ से इस तरह से एक पैटर्न तैयार करेंगे और स्टिच करके लेंगे। ऐसे ही सब पहले बना के लेते हैं। ऐसे तैयार करके लिया है यहाँ से, ऐसे इसमें अभी लगा के लेंगे। पहले यहाँ हम स्टिच करके लेते हैं। अभी ऊपर से हम 4 इंच छोड़ेंगे नेक के लिए। नेक हमारा बोट नेक है तो उतना लंबाई छोड़ के ये पैटर्न लगाएंगे। यहाँ तक नेक कटिंग है, उसके नीचे हम 1 इंच लगाएंगे। यहाँ लगा के लेने के बाद ये पट्टी इसके ऊपर रख के हम स्टिच करेंगे। यहाँ एक एक स्टिच करके इसको पैक करेंगे तो ये पैटर्न तैयार हो जाएगा। अभी हम इसमें गला कटिंग करते हैं। शोल्डर पट्टी हम 3 इंचेस लेते हैं बोट नेक करके, और फ्रंट नेक हम 3.5 इंच। ऐसे ही पीछे का गला भी कटिंग करके लेंगे। शोल्डर पट्टी जो है 3 इंचेस और ये पीछे का गला 3.5 इंच। गले के लिए क्रॉस पट्टी निकालते हैं, पहले गला बना के लेते हैं। दो इंच का क्रॉस पट्टी कट करके लिया है। ये कुर्ती का रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड से हम राइट साइड ही पट्टी लेके आएंगे और ये यहाँ से ऐसे लगाएंगे। ये फ्रंट है, रॉन्ग साइड से राइट साइड जाएंगे। अभी यहाँ ऐसे पैक फिक्स करके यहाँ एज पे सिलाई देंगे। इस तरह से ये पट्टी लगा के तैयार है। अभी बैक स्टिच करते हैं। अभी ये बैक के लिए क्रॉस पट्टी निकाला है, ये 1.5 इंच का निकाला है। ये आप कम ज़्यादा कर सकते हो, 1 इंच की भी चलेगी। अभी ये हम बैक में लगा के लेते हैं। बैक में हम राइट साइड से ही लगाएंगे। ये पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते हैं और यहाँ टॉप सिलाई डालते हैं राइट साइड में। टॉप सिलाई देने के बाद शोल्डर जोड़ेंगे। ये क्रॉस पट्टी जो हमने लगाया है इसको रैप करके शोल्डर जोड़ेंगे। दूसरी साइड का शोल्डर भी इस तरह से रैप करके जोड़ेंगे।
नीचे का गला इस तरह से फोल्ड करके सिलाई देंगे, इस तरह से फोल्ड देके यहाँ भी सिलाई देंगे। बैक और फ्रंट का गला फिनिशिंग करके तैयार किया है। अब स्लीव लगाएंगे। स्लीव के लिए मैंने ये पट्टी निकाला है 2 इंच का और यहाँ सिलाई देके लिया है राइट साइड से। यहाँ टॉप सिलाई डाल के ले लीजिए। अभी इसके ऊपर सिलाई दे दीजिए। ऐसे दूसरी साइड का भी स्लीव बना के लेंगे। स्लीव जोड़ने के बाद साइड सिलाई देते हैं। बॉटम फोल्ड में पहले आप नीचे का लेवल देखिए, कम ज्यादा है तो हल्का सा ट्रिम करके लेना है और उसके बाद बॉटम फोल्ड करना है। पहले हम सिंगल फोल्ड करके लेते हैं, राउंड है तो पहले एक सिंगल फोल्ड करके उसके बाद डबल कर दीजिए। या आप डायरेक्ट डबल करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, लेकिन रिंकल्स ज्यादा आएंगे तो मैं पहले छोटा फोल्ड एक करती हूँ। सिंगल फोल्ड करने के बाद ये डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह से बॉटम फोल्ड भी करके लिया है। यहाँ मैंने गोल्डन बेड लगा के लिया है। इस तरह से ये मैंने प्रिंसेस कट ए लाइन शेप कुर्ती तैयार करके दिखाया आपको। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।